दोस्तों सहारनपुर रेलवे स्टेशन से रात्रि 10 बजे बेगमपुरा ट्रेन पकड़ के मैं पहुंच जाता हूं दोस्तों सुबह 7 बजे लखनऊ। लखनऊ से दोस्तों अयोध्या के लिए मॉर्निंग में काफी सारी ट्रेनें जाती हैं, तो उनमें से एक ट्रेन पकड़ के मैं फाइनली पहुंच जाता हूं अयोध्या। अयोध्या पहुंचने के बाद दोस्तों सबसे पहले रूम बुक किया है मैंने, 600 रुपए में मुझे रूम पड़ा है। अब यहां से नहा धोकर के सबसे पहले दोस्तों मैं दर्शन करने जाऊंगा हनुमानगढ़ी मंदिर के। कहा जाता है दोस्तों यदि आप भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए अयोध्या आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन कर लेने चाहिए। दोस्तों वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। अभी मैं एक साल पहले आया था तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की बहुत कम संख्या थी, लेकिन 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर के इनॉग्रेशन के बाद देख सकते हैं देश के कोने कोने से भारी संख्या में श्रद्धालु राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। दोस्तों वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं अयोध्या में बसे हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर कितनी ज्यादा भीड़ है श्रद्धालुओं की, और सभी लोग लाइन लगा करके हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं। अयोध्या में बसे हनुमानगढ़ी मंदिर से हजारों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कहते हैं कि आज भी यहाँ पर हनुमान जी अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं, इनके होते हुए राम जन्मभूमि को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। दोस्तों यहां से हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने के लिए 76 सीढ़ियां सभी श्रद्धालुओं को चढ़नी पड़ेगी। हनुमान जी अयोध्या के राजा के रूप में आज भी यहां पर विराजमान है। शायद यही वजह है कि बीते दिनों में अयोध्या में हुए आतंकी हमले के बाद भी राम जन्मभूमि सुरक्षित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान राम गुप्तार घाट के जरिए गोलुक गए थे, जब उन्होंने अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंपी थी, और भगवान राम का आदेश हनुमान जी कभी नहीं टाल सकते थे, इसलिए आज भी अयोध्या की जिम्मेदारी हनुमान के हाथों में ही है। दोस्तों वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हैं इतनी ज्यादा भीड़ होने के बाद भी बजरंग बली के सभी श्रद्धालु बहुत अच्छी तरह से दर्शन कर रहे हैं, और देख सकते हैं दोस्तों सभी के प्रसाद लेकर के पंडित जी किस प्रकार से चढ़ा रहे हैं और फिर उसके बाद उसी डब्बे को वापस कर रहे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने के बाद दोस्तों अब हम चलेंगे दशरथ महल की ओर, और फिर वहां से हम चलेंगे भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि इस समय काफी भव्य और अलौकिक दिखाई पड़ रहा है, जिसकी वजह से देश के कोने कोने से भारी संख्या में श्रद्धालु भगवान श्री राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।